New heading is sorting of array. So arranging the data elements in ascending order or descending order is called sorting. There are two types of the sorting: bubble sorting and selection sorting. In your portion, in your syllabus, you are having only the bubble sort. So what is the bubble sort? See, sorting means we have to arrange the data element. Means user is inputting the number of integer or the name of the cities or the roll number, whatever. If we want to arrange them, okay, so we have to arrange them in the ascending order or in the descending order. So technique of arrange these data element is known as bubble sort or the selection sort. Means we are having two techniques to arrange the data elements. Okay, so in the bubble sort, what we are doing in the bubble sort, the adjacent element are compared with each other. Now, what is the meaning of the adjacent element? See, example. Suppose here I'm giving 10, 2, 30, 4. Okay. These are my four data elements, right? Then here, next is 40. Okay, five data elements. Now I have to arrange these data element, means my output should be, kya hona chahiye? If I want to arrange them in the ascending order, then two, want to arrange the data elements. Okay, so how will be my output? Will come 2, 4, 10, then 30, then 40. It will be my output. ओके अभी आउटपुट आएगा कैसे मीन्स मुझे क्या करना है इफ आई एम यूजिंग द बबल सॉर्ट टेक्निक सो आई हैव टू कंपेयर द एडजेसेंट एलिमेंट एडजेसेंट एलिमेंट मीन्स जीरो पोजीशन वाला एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन वाले एलिमेंट से कंपेयर होगा ओके फिर फर्स्ट पोजीशन वाला एलिमेंट सेकेंड पोजीशन वाले एलिमेंट से कंपेयर होगा देन फिर ये सेकेंड पोजिशन वाला एलिमेंट थर्ड पोजिशन से कंपेयर होगा थर्ड पोजिशन वाला एलिमेंट फोर्थ पोजिशन से कंपेयर होगा ओके मीन्स कितने कंपेरिजन हो गए ये वन कंपेरिजन ये टू कंपेरिजन ये थ्री कंपेरिजन और ये फोर्थ वन कंपेरिजन ओके मीन्स अगर मुझे फाइव एलिमेंट कंपेयर करने हैं तो अगर मैंने फोर एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया प्रॉपरली तो फिफ्थ वन एलिमेंट विल बी अरेंज्ड ऑटोमेटिकली ना अगर लाइन में पांच स्टूडेंट खड़े हुए फाइव स्टूडेंट्स आर देयर है ना अब मुझे उनकी हाइट के अकॉर्डिंगली अरेंज करना है अगर मैंने फोर स्टूडेंट्स को अरेंज कर दिया तो फिफ्थ वन स्टूडेंट विल ऑटोमेटिकली बी अरेंज्ड ऐसा ही होगा ठीक है तो एडजस्टेंट में एलिमेंट का मतलब होता है इसके पास वाले एलिमेंट एडजस्टेंट का मतलब होता है उसके नेक्स्ट कंटिन्यूअस में जो एलिमेंट आ रहा है ना उसी से कंपेयर होगा तो जीरो पोजीशन वाला एलिमेंट का नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा होता है वन पोजीशन ओके तो ये दोनों कंपेयर होंगे फिर उसके बाद में वन पोजिशन वाला एलिमेंट टू पोजिशन से फिर टू पोजिशन वाला एलिमेंट थ्री पोजिशन से थ्री पोजिशन वाला एलिमेंट फोर्थ पोजिशन से मतलब कि अगर फाइव एलिमेंट है तो मुझे कंपैरिजन एडजस्टमेंट में करना है और फिर मुझे ये लूप कितने बार चलाना होगा इफ आई एम हैविंग दी फाइव एलिमेंट्स ओके तो मुझे लूप सिर्फ फोर टाइम ही चलाना हुआ क्योंकि फोर टाइम चलाऊंगी तब फिफ्थ वन ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा ना ठीक है अब देखो अब जब मैंने पहला पास लगाया फर्स्ट पास मैंने 10 को 2 से कंपेयर किया तो सबसे पहले 2 आ गया देन 10 उसके जगह पे पहुंच गया देन मेरा 30, 4 और 40 ऐसे अरेंजमेंट रहेगा दिस इज द फर्स्ट पास नाउ द सेकंड पास में फर्स्ट पास में जीरो पोजीशन वाला एलिमेंट वन पोजीशन से हुआ था
और सेट हो गया। अभी नेक्स्ट वन पोजिशन वाला एलिमेंट सेकेंड पोजिशन वाले एलिमेंट से कंपेयर होगा, इट मीन्स इट विल बी सेम, क्योंकि 10 लेस देन है ना 30 से, तो नेक्स्ट पास में सेम का सेम रहेगा 4 और 40। ओके, अब उसका नेक्स्ट पास जब होगा तो सेकेंड पोजिशन वाला एलिमेंट थर्ड पोजिशन वाले एलिमेंट से कंपेयर होगा, तो अब कंपेयर होने के बाद फिर अरेंज हो जाएगा कुछ इस तरीके से 4 एंड 30 एंड देन 40। ओके, देन उसके बाद ये थर्ड पोजिशन वाला एलिमेंट फोर्थ पोजिशन वाले से कंपेयर होगा, तो एज इट इज रहेगा क्योंकि वो ऑलरेडी लेस देन है। ठीक, अब इसमें क्या हुआ, ये एक पास जब चला मींस मेरा जब एक बार लूप चला तो फर्स्ट लूप सेकंड लूप थर्ड लूप फोर्थ लूप, अब यही वाला टास्क मुझे फिर से रिपीट करना होगा, वापस से मुझे कंपैरिजन करना होगा ये दोनों एलिमेंट का, फिर ये दोनों एलिमेंट का, फिर ये दोनों एलिमेंट का, तभी तो पूरी एरे सॉर्ट होगी, वरना तो ऐसे तो एरे सॉर्ट नहीं होगी। मींस मुझे ये पूरे जो इटरेशन मैंने किया है कंपैरिजन का, इस लूप को, इसको एक लूप में डालना पड़ेगा और फिर उस एक लूप को भी मुझे किसी दूसरे लूप में डालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये पूरा टास्क फिर से रिपीट कराना है। मीन्स मुझे लूप की नेस्टिंग करनी पड़ेगी, नेस्टिंग ऑफ द लूप। ठीक है, ये आउटर लूप जब एक बार चलेगा और इनर लूप उसके पूरे 4 टाइम चलेगा तब ये पोजीशन होगी, फिर आउटर लूप एक बार और चलाना होगा तब ये 4 बार चलेगा, फिर ऐसे चलाना होगा। ठीक है, ध्यान क्या रखना है कि इन द बबल सॉर्ट एडजस्टेंट एलिमेंट आर कंपेयर्ड विद ईच अदर। ओके, अब देखो कैसे करते हैं, I'll tell you that. Everyone has to write this program. Here I have given the name of the class sort or the method ka name bhi maine sort diya. You can change the name. Void main karna hai to void main, whatever you want, you can do that. Okay. Abhi int a, maine ek array input liye method call se. Okay. अब जब मेथड कॉल से एरे इनपुट लेते हैं तो हमें नहीं पता उसकी लेंथ कितनी होगी, सो दैट्स व्हाई आई हैव टू कैलकुलेट दी लेंथ, राइट? ठीक है, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट, ये मैं 10 इज लेस देन सी, हियर आई विल कंपेयर 10 लेस देन 2। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स हुई या फिर 10 ग्रेटर देन 2, ठीक है, तो 2 को फर्स्ट पोजीशन पे आना चाहिए, तो मींस मुझे ये दोनों एलिमेंट की स्वैपिंग करनी है। जब मुझे स्वैपिंग करनी है तो मैं कैसे करूंगी, मैं कोई एक तीसरा वेरिएबल ले लूंगी, उस तीसरे वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू डाल दूंगी। स्वैपिंग का कंसेप्ट तुम्हें ध्यान होगा, स्वैपिंग मतलब कि मुझे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लेना पड़ता है। इट इज जस्ट लाइक इट इन द किचन, योर मदर इज डूइंग एवरी डे और यू कैन ऑल्सो डू दैट। एक ग्लास में दूध है और एक ग्लास में पानी है, अभी तुमने बोला कि जो ए ग्लास है, ए ग्लास में दूध है और बी ग्लास में पानी है। ओके, नाउ यू आर सेइंग कि नहीं, ए ग्लास में मुझे पानी चाहिए और बी ग्लास में मुझे दूध चाहिए, देन व्हाट योर मदर विल डू, शी विल टेक अनदर थर्ड वन ग्लास और उसमें दूसरे को खाली कर देंगी और एक्सचेंज कर देंगी। ओके, तो सेम कंसेप्ट वी आर यूजिंग हियर टेम्परेरी वेरिएबल से। ओके, यहाँ पे मैंने लेंथ लगाई और एक टेम्परेरी वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। यू कैन डिक्लेयर इस टेम्प आल्सो और यू कैन डिक्लेयर इस टी। अब देखो मैंने लूप चलाया 0 से लेके लेस देन एल, एल इज लेंथ, ये एल है ना, लेंथ है, अगर समझ नहीं रहा है तो अभी देखो एल एंड लेंथ, ये लेंथ है -1। मैंने लेंथ -1 क्यों चलाया है, बिकॉज अगर मेरे 5 एलिमेंट्स की एरे है तो 4 टाइम ही मुझे चलाना होगा ना, फिफ्थ टाइम तो ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा, है ना? ठीक है, इसलिए देन इनर लूप जो मैंने चलाया, ये तुम लर्न कर सकते हो तो लर्न कर लेना, आउटर लूप लेंथ -1 एंड द इनर लूप, ये वाला जो मैंने चलाया इनर लूप जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन लेंथ माइनस आई माइनस वन। लेन आई माइनस वन क्यों किया है, क्योंकि जितने भी बार में ये पास चलाऊंगी तो हर बार एक एक एलिमेंट सॉर्ट होते जाएगा, तो मुझे वो आई में से सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए, मतलब अननेसेसरी लूप चलाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे आई माइनस वन किया है।
Now see, I'm comparing AJ. Okay, means zero position. J is what? Zero position. तो अभी comparison किस में होगा? A zero पे. Greater than अगर हुआ, ठीक है, तो AJ plus one. AJ plus one means J की value zero है ना, तो A one हो गया adjacent element में comparison. ठीक है, A zero position पे जो element है, अगर वो greater than है, ठीक है, तो टेम्परेरी वेरिएबल में ये मैंने डाल दिया. ठीक है, ये स्वैपिंग कर दिया और ये स्वैपिंग इसमें आ गई. ओके, अच्छा, ये प्रोग्राम जो है वो डिसेंडिंग का है. ठीक है, अभी हम देखते हैं, देखो. ओके, आप देन ये इफ लूप इफ क्लोज हो गया, आउटर लूप क्लोज, इनर लूप क्लोज हो गया, आउटर लूप क्लोज हो गया, एंड फिर यहाँ पे मैंने डिस्प्ले कराने के लिए लूप चलाया जीरो से लेकर के लेंथ तक, लेस देन लेंथ तक. ठीक है, अभी देखो इसको कंपाइल करके दिखाते हैं. कंपाइल एग्जीक्यूट वॉइड मेन इन द कर्ली ब्रेसेस 2, 10, 4, 30, 40. ओके, देन ओके, सी 2, 4, 10, 30, 40 असेंडिंग ऑर्डर में मैंने इसको अरेंज कर दिया. अब देखो कैसे किया. अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू. ये मेरे 2, 4 ओके, हमने डाला था इनपुट. चलो इसी इनपुट से बताते हैं ड्राई रन करके. ओके, एवरीवन पे अटेंशन हियर. ये मेरा इनपुट था. ओके, 10, 2, 30, 4, 40. ओके, अभी लेंथ जब कैलकुलेट हुई तो लेंथ की वैल्यू यहाँ पे हो गई 1, 2, 3, 4, 5. ओके, 5 लेंथ हो गई. देन अभी लूप चलाया आई लेक से जीरो तक. जीरो आई की वैल्यू जीरो है, तो जीरो जीरो लेस देन लेंथ माइनस वन. लेंथ इज 5, माइनस वन मीन्स 4. ओके, तो लूप चलेगा जीरो से लेस देन 4 मीन्स 4 टाइम. नाउ इनर लूप देखो ध्यान से, जे जीरो जे लेस देन एल माइनस वन. ओके, तो मीन्स जीरो लेस देन लेंथ. लेंथ कितनी है? 5. आई कितना है? 0. मीन्स 5 माइनस 0 माइनस 1. ओके, इतने बार ये मेरा लूप चल जाएगा. देन अभी देखो कंडीशन ट्रू हो गई. अब मैंने क्या किया? ए जे, तो ये ए जे पे क्या है? ए जे मीन्स जीरो. जे जीरो है ना, और जे प्लस वन मीन्स उसका एडजस्टेंट एलिमेंट, तो ए वन. ओके, तो अभी जीरो पे क्या है? 10, और वन पे क्या है? 2. ओके, कंडीशन ट्रू हो गई. 10 ग्रेटर देन 2. अगर 10 ग्रेटर देन 2 है, इट मीन्स कंडीशन इज ट्रू. व्हेन कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू, तो देखो हमने क्या किया, टेम्परेरी एक वेरिएबल लिया था, उस टेम्परेरी वेरिएबल में ए जे की वैल्यू डाल दी. ए जे मीन्स जीरो. जीरो पोजिशन पे क्या है? टी. जीरो पोजिशन पर है 10, तो टी की वैल्यू हो गई यहाँ पर 10. ओके, टी की वैल्यू हो गई 10. और ए जे के अंदर, मतलब कि जो फर्स्ट एलिमेंट था ना, ए जीरो पोजीशन वाला, उसमें क्या डाला? जे प्लस वन मीन्स 2. ओके, मीन्स अभी फर्स्ट पोजीशन पर, जीरो पोजीशन पर, जो सबसे पहले वाली पोजीशन है, उस पे क्या आ गया है? 2. ओके, अभी देखो नीचे ए जे प्लस वन, मतलब कि ए वन पर, ए वन पर अभी क्या आ गया है? टी. टी में क्या है? 10. तो स्वैप हो गई वैल्यू. अभी ए जीरो पर आ गया 2 और ए वन पे आ गया 10. ठीक है, फिर अगेन कंडीशन ट्रू होगी और फिर से आएगा. और अगर ये वाली इफ वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो ऐसे स्वैपिंग हो जाएगी. अब ये लूप जितने बार चलेगा, फिर उसके बाद आउटर लूप, फिर से, फिर आउटर लूप, फिर से, फिर इनर लूप, फिर से, इस तरीके से कंपैरिजन होते जाएगा. और अगर ये कंपैरिजन मुझे डिसेंडिंग करना होगा,
तो सिंपली ग्रेटर देन की जगह पे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेस देन करना पड़ेगा, या फिर इस ए जे को यहाँ पे लिख देंगे, ए जे प्लस वन को और ए जे को इधर लिख देंगे, दोनों में से कोई भी एक किया जा सकता है फॉर द डिसेंडिंग. ओके, एंड दिस इज द डिस्प्ले लूप डिस्प्ले कराने के लिए. आफ्टर एंटरिंग द एरे हमने लेंथ कैलकुलेट की है और एक टेम्परेरी वेरिएबल रखा है. क्यों? क्योंकि मुझे स्वैपिंग करनी होगी ना एलिमेंट्स की, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट की पोजीशन पे पहुंचाना है तो वो ओवरराइड हो जाएगा, इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लिया कि पहले उसमें स्टोर कर लेंगे और फिर एक्सचेंज कर देंगे वैल्यूज को. ठीक है, और लूप चलाया है लेंथ माइनस वन से. लेंथ माइनस वन तक का लूप क्यों चलाया है? बिकॉज अगर मेरे पास फाइव एलिमेंट्स हैं तो मैं सिर्फ फोर टाइम लूप चलाऊंगी तो फिफ्थ वाला अरेंज ऑटोमेटिकली हो जाएगा, है ना, इसलिए एक कम लूप एक बार और कम किया है. और जे वाला लूप लेन आई माइनस ये किया है. ये क्यों किया है? क्योंकि मुझे जितने भी एलिमेंट कंपेयर कराने ना, हर बार एक एक एलिमेंट कंपेयर हो जाएगा तो आई मुझे कम कर देना है, मतलब जितने बार आई का लूप चल रहा है ना उससे और एक बार कम करा देना है. ठीक है, इससे कंपाइलर पे बर्डन भी कम पड़ेगा. नाउ वी आर कंपेयरिंग. ये देखो ए जे, अगर जे की वैल्यू जीरो है तो मीन जीरो पोजीशन वाला जो एलिमेंट है वो कंपेयर होगा जे प्लस वन, मतलब कि वन पोजीशन वाले एलिमेंट से. ओके, ठीक है, और अगर मुझे असेंडिंग करना है तो मैंने ग्रेटर देन लगाया है, और अगर मुझे डिसेंडिंग करना है तो मुझे लेस देन लगाना है. ओके, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर मुझे स्वैपिंग करनी है. तो ये स्वैपिंग के तीनों स्टेटमेंट है. टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर जीरो पोजीशन वाला एलिमेंट गया, अब जीरो पोजीशन वाले के अंदर वन पोजीशन वाला एलिमेंट आ गया, और वन पोजीशन वाले के जगह पे मैंने टेम्प डाल दिया जिसमें कि ए जे की वैल्यू थी. ओके, यहाँ पे हुआ है इफ क्लोज, देन ये इनर लूप क्लोज, देन ये आउटर लूप क्लोज. ठीक, अब ये वाला लूप मैंने क्यों चलाया है? दिस लूप आई एम एग्जीक्यूटिंग टू डिस्प्ले द एरे. ये सब करके एरे अरेंज हो गई, सॉर्ट हो गई, मगर डिस्प्ले भी तो करानी पड़ेगी, तभी तो समझेगा कि सॉर्टिंग हुई है कि नहीं हुई है, है ना, इसलिए ये मैंने डिस्प्ले के लिए लूप चलाया है असेंडिंग ऑर्डर में एरे को डिस्प्ले कराने के लिए. यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं सॉर्टेड एरे, प्रिंट एलएन एरे आफ्टर सॉर्टिंग. ये देखो कंपाइल, एरे आफ्टर सॉर्टिंग. नाउ यू हैव टू मेक वन प्रोग्राम.